गुड मॉर्निंग बच्चों, आज खेतेश्वर शिक्षण संस्थान की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा नवम की हिंदी पुस्तक में क्षितिज भाग एक का अध्याय एक पढ़ेंगे और इसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको इसके लेखक के बारे में सामान्य परिचय देना चाहती हूँ। और इस पाठ के लेखक सुप्रसिद्ध उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही ग्राम में सन 1880 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और इनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता। शिक्षा इनके बीए तक ही हो पाई। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी तो की, परंतु क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था और इसी कारण असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण बीच में ही इन्होंने अपने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और ये लेखन कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का निधन हो गया। इनकी कहानियां हमें मानसरोवर के 8 भागों में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास भी लिखे, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, कायाकल्प आदि। उपन्यास के माध्यम से इन्होंने समाज में जो सबसे शोषित वर्ग था, शोषित वर्ग के दुख को, संवेदनाओं को अपना विषय बनाया और इन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि की रचनाओं को अपने निबंधों में अपनी रचनाओं का मूल विषय बनाया। तो जो मुंशी प्रेमचंद है, इनका मानना है कि साहित्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ हम जो कहानी पढ़ेंगे इसमें भी बताया गया है कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों में भी एक अद्भुत आत्मीय शक्ति होती है। और बड़ी इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, लेखक की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि बहुत ही सरल भाषा में, सीधे सादे शब्दों में ये लेखन कार्य करते थे और इसी कारण साधारण जन को भी इनका साहित्य बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता था। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सजीव और मुहावरेदार है। इन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। यहाँ हम जो कथा पढ़ रहे हैं अब इसका कुछ परिचय दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दो बैलों की कथा है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, सहजता से नहीं मिलती। स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है और बार बार संघर्ष करना पड़ता है, तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, चाहे फिर वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। तो एक प्रकार से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी यहाँ पर उपयोग किया है, इसका विकास किया है। तो आज हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। लेखक कहते हैं, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। आप पूरे ध्यान से इस कथा को, इस कहानी को समझिएगा, सुनिएगा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन,
उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेखक क्या कहते हैं कि जब भी हम, मान लो हम किसी को कहते हैं, कोई हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो गधा है। मतलब हम ये मानते हैं कि वह जिसमें कोई गुण नहीं है, वह जो बिल्कुल मूर्ख है, जिसे आसानी से कोई बात समझ ही नहीं आती, तो हम उसे अमूमन गधा कह देते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि शायद हो सकता है कि गधा बहुत ही सीधा प्राणी है, बहुत ही सरल प्राणी है, कभी वो किसी का विरोध नहीं करता, उसमें सहिष्णुता अर्थात सहन करने की जो भावना है, शायद उसी के कारण से हमने उसे ये पदवी दे रखी है, अर्थात हम उसको मूर्ख समझते हैं। तो इसीलिए जब हमें किसी को मूर्ख कहना होता है तो हम उसके लिए गधा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते देखा है? नहीं देखा न सुना। जितना चाहे गरीब को मारो, गरीब को मारो मतलब वो जो गधा है वो इतना सीधा है, उससे खूब काम करवाओ, उसको खूब मारो, परंतु वो पलटकर कभी उसका विरोध नहीं करता है, और उसे जितना चाहे मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेखक क्या कहते हैं कि गधा इतना सीधा प्राणी है, फिर भी जब किसी को मूर्ख की संज्ञा देनी होती है तो हम गधा एक तरह से पर्याय के रूप में उसको प्रयुक्त करते हैं, लेकिन और चाहे उसको जैसा भी सड़ा गला सूखा कुछ भी डाल दो, वो चुपचाप खा लेगा और कभी भी अपने चेहरे पर असंतोष की भावना भी प्रकट नहीं करता है, इतना सीधा प्राणी। लेकिन कभी कभी वैशाख में वो भी क्या करता है, एक दो बार कुलेल तो कर ही लेता होगा। कुलेल करना मीन्स क्रीड़ा करना, खेलना, उछलना, कूदना। वैशाख में क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो गधे होते हैं वैशाख में माना जाता है कि इनका जन्म होता है, तो इसलिए इनको वैशाख नंदन भी कहा जाता है। पर उसके चेहरे पर विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, विषाद, विषाद अर्थात दुख, उदासी की भावना। तो हम जब भी कभी हम देखते हैं, हमने अक्सर देखा होगा जब हम गधे को देखते हैं, बहुत ही सीधा सा, गर्दन नीचे झुकाए हुए और एक अलग ही प्रकार की उदासी का भाव उसके चेहरे पर दिखाई देता है। अगर हम उसके भावों को पढ़ सकते हैं तो हमें ऐसा ही अनुभव होगा। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि चाहे सुख हो, दुख हो, हानि की स्थिति हो, लाभ की स्थिति हो, कैसी भी दशा हो, वह वैसा का वैसा ही रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए हैं, पर आदमी उसे क्या कहता है, बेवकूफ। आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेखक कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों में जितने गुण होते हैं, ऋषि मुनि क्या करते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और ऋषि मुनि कब कहलाते हैं, जब वो समभाव को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, निराशा का भाव हो, खुशी का भाव हो, वे एक समान रहते हैं, सदैव एक ही स्थिति में रहते हैं, तब वे ऋषि मुनि कहलाते हैं। गधे में भी तो ये समानता पाई जाती है लेखक के अनुसार। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि जो गुण ऋषि मुनियों में है, सदा एक स्थिति में रहने का गुण, और वही इस गधे में भी पाया जाता है। इसलिए लेखक ने तो उस गधे की तुलना किसके साथ में की है, उन ऋषि मुनियों के साथ में कर दी है, और इसी और जो आदमी है वो उसको फिर भी क्या कहता है, बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर होते कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश क्या है, वो संदेश ये है कि अत्यधिक सीधा होना भी इस संसार में हानिकारक हो सकता है। देखिए ना, उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई, क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने, अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। देखिए बहुत समय तक, और यहाँ आज भी यदि देखा जाए, अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, बहुत समय तक अफ्रीका में जो भारतवासियों की दुर्दशा हुई किस कारण,
शासन हुई, रंग भेद की नीति, वहाँ पर भी काले गोरों का भेद चलता था। अमेरिका में यदि आप देखें तो अभी भी जो मुद्दा छाया हुआ है वो कौन सा है, श्वेत और अश्वेत का। तो इस प्रकार से भारतवासी जो है वो भी बहुत ही सीधे रहे हैं, और इसी कारण से यहाँ पर लेखक ने भी एक उदाहरण दिया है अफ्रीका और अमेरिका का, कि वो भी क्या करते हैं, बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जो सीधे लोग होते हैं उनके बारे में लेखक बता रहे हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, मतलब कि ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन के आदर्श का अनादर ही करते हैं, मतलब अपने जो छिपे हुए अपने भीतर के जो गुण हैं वो उनको बाहर नहीं आने देते, वो अपने साथ हो रहे गलत का, अपने साथ हो रहे अन्याय का जो लोग सामना नहीं करते, विरोध नहीं करते, तो वैसे ऐसे लोग जो होते हैं वो सदा जीवन के आदर्श को नीचा ही करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक ने भी यहाँ पर इस बात की आवश्यकता जताई है कि जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पर विरोध करना आवश्यक होता है, और ऐसे जो लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, सही मायने में वे सभ्य कहलाने योग्य होते हैं। जापान की मिसाल सामने है। आप सबको पता है कि जापान जो है वो एक शक्ति के रूप में उभरा है, उस पर द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमला हुआ था उसके बाद में उसने जिस प्रकार से अपना विकास किया, उसकी एक ही विजय ने उसको संसार के सभ्य जातियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। अब लेखक क्या बताते हैं, लेखक ने यहाँ तक गधे के बारे में बताया और फिर भारतवासियों की बात बताई कि किस प्रकार से भारतवासी के अत्यधिक सीधा होने के कारण से उन्हें अंग्रेजों का इतने वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। और अब यहाँ पर लेखक बात कर रहे हैं कि गधा तो है जो है, लेकिन उसका एक छोटा भाई और भी है और वो उससे कुछ कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ इसी तरह उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो वह बैल है, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेखक क्या कहते हैं, बैल जो है वो बहुत सीधा होता है, लेकिन और इसी उसके सीधेपन के कारण से ही कुछ गधे से मिलते जुलते गुणों के कारण से ही उसको बछिया का ताऊ कह दिया जाता है, मतलब वो थोड़ा सीधा होता है। और लेखक मानता है कि ऐसा नहीं है, बैल जो है वो क्या करता है, गधा जो है वो कभी भी विरोध नहीं करता है, लेकिन बैल कभी कभी विरोध भी करता है, कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल देखने में भी आता है। अड़ियल बैल कई बार जब खेत किसान में हल जोतता है उस समय बैल जो है वो अड़ जाते हैं और कितना भी उनको मार लो लेकिन वो एक कदम आगे नहीं बढ़ते, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। तो इसलिए उसका स्थान गधे से थोड़ा सा नीचे है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। लेखक ने ये जो ऊपर प्रस्तावना दी है गधे के बारे में बता करके, बैल के बारे में बता करके, भारतवासियों के बारे में यह जता करके कि यदि वे विरोध करें तो कोई भी उनको दबा नहीं सकता है और वो सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अब एक जो कहानी बताई है वो कहानी पशुओं और मनुष्यों के बीच में मानवीय संवेदनाओं से अनुभूति से जुड़ी हुई है। तो इसी कहानी के बारे में अब हम मुख्य कहानी पर आते हैं। यहाँ तक मैंने जितना पढ़ाया आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे आगे आपको मुख्य कथा की ओर ले जाती हूँ।
झूरे काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, पछाई नस्ल है, बैलों की एक नस्ल है पछाई। तो हीरा और मोती जो है वो पछाई जाति के बैल थे। देखने में बहुत ही सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, कोई वे कैसे समझ जाते थे ये हम कह नहीं सकते। लेखक क्या कहते हैं कि जो हीरा और मोती थे वे साथ साथ रहते, साथ साथ खाते, साथ साथ हल में जोते जाते, तो दोनों के ही बीच में एक ऐसी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के मन की बात को बिना बोले समझ जाते थे। देखिए, इस पूरे सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में बुद्धि के साथ साथ वाणी भी है। ये जो वाणी की शक्ति मनुष्य को मिली है ये संसार के किसी अन्य प्राणी को नहीं मिली। संसार के जो अन्य प्राणी है वे हमारी तरह, मनुष्यों की तरह बोल नहीं सकते, अपने मन के भावों को बोलकर किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पशु हैं हीरा और मोती हैं ये मूक होते हुए भी एक दूसरे के मन की बात को न जाने कैसे समझ लेते थे। ये शायद वही इनका आत्मीय संबंध था, प्रेम और स्नेह का संबंध था जिसके बलबूते पर ये एक दूसरे के भावों को बिना कहे ही समझ जाया करते थे। हम कह नहीं सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। लेखक क्या कहते हैं कि जरूर उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब मनुष्य जो जीवों में श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ है, वाणी से श्रेष्ठ है, परंतु वो भी इन पशुओं की मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात को समझ जाने वाली उस गुप्त शक्ति से, मतलब उस छुपी हुई शक्ति से वंचित रह गया है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब तक हम अपने मन के भावों को किसी के सामने बोल कर प्रकट नहीं करते तब तक कोई हमारे भावों को नहीं समझ सकता। परंतु हीरा और मोती एक दूसरे की बात को बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से समझ जाते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण एक ही था कि उनमें आत्मीयता का भाव था, घनिष्ठता का भाव था। लेखक क्या कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। कवि लेखक कहते हैं कि दोनों क्या करते थे, किस प्रकार एक दूसरे पर प्रेम जताया करते थे। वे एक दूसरे को चाट कर, एक दूसरे को सूंघ कर और कभी कभी एक दूसरे से सींग भी मिला लिया करते थे, लेकिन वो विग्रह के नाते नहीं होता था। विग्रह मतलब अलगाव, झगड़ा, झगड़े के नाते नहीं, बल्कि जैसे दो मित्र होते हैं आपस में बहुत दिनों बाद मिलते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की भी करते हैं लेकिन मजाक में, आत्मीयता से, प्रेम पूर्वक, उसी प्रकार से वे दोनों भी किया करते थे, लेकिन वो विनोद के भाव से करते थे। और जहाँ कहीं भी एक दूसरे को लगता था कि अब कहीं झगड़ा बढ़ न जाए तो अपने आप ही एक पीछे हट जाता था। तो इस प्रकार से जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब दोनों बैलों को हल में जोत दिया जाता था तो उस समय, क्योंकि दोनों इतने प्रेम पूर्वक रहते थे, दोनों दोस्त, दोनों मित्र थे, तो उस समय दोनों का प्रयास यही होता, चेष्टा मतलब प्रयास यही होता कि अधिक से अधिक वजन उसके गर्दन पर आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, संध्या मतलब शाम के समय, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है, वो चारा डालने का स्थान जहाँ पर पशु चरते हैं उसे नांद कहते हैं। तो नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी
दोनों बैलों का मालिक जिसका नाम क्या था, झूरी, उसने कह दिया एक बार उन दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। अब बैलों को क्या मालूम कि वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं। उनको लगा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपना यूँ बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी का साला कौन, झूरी का साला जो था गया, उसका नाम क्या था, गया। और गया को घर तक मतलब अपने घर तक गोई, गोई मतलब बैलों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी को कहा जाता है गोई, दोनों को ले जाते हुए दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना या बहुत अधिक कठिनाई आना, किसी कार्य को करने में बहुत अधिक कठिनाई आना, दांतों पसीना आना एक मुहावरा है, ठीक है। अब पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगहियां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। बैल थे, मूक प्राणी थे, कुछ बोल कर तो झूरी से अपने मन की बात कह नहीं सकते थे, परंतु उनके मन में ये विचार आया कि हमने इतनी सेवा की जिसकी उसने आज हमें इस प्रकार बेच दिया, उसने हमें हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्हें लगा कि यदि वो चाहता तो हमसे थोड़ी और मेहनत करा लेता, चाहे खाने को थोड़ा कम दे देता, लेकिन हमें अपने से यूँ अलग ना करता। झूरी के साथ भी उन दोनों बैलों की बहुत ही आत्मीयता, बहुत ही स्नेहपूर्ण संबंध बन गया था और वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रकार से उसे उनको ऐसा लग रहा था कि इस जालिम के हाथों, जालिम मतलब जुल्म करने वाला, तो इस जालिम के हाथों हमें क्यों बेच दिया। अब संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिन भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उनको बेगाने से लग रहे थे, सब कुछ नया था। कहीं यदि हम भी यदि कहीं अजनबी जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर सब अपरिचित लगता है, सब नया लगता है और हम जल्दी से किसी के साथ में मिलजुल नहीं पाते, तो इस प्रकार से घुल मिल नहीं पाते। और ऐसा ही उन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को भी लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कंठियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ जाना मतलब रात हो जाना, सब सो गए, सोता पड़ जाना मतलब सभी का सो जाना, तो जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, जो उनकी रस्सी बंधी हुई थी, पगहे पगहे मतलब रस्सी, उनको बैलों को बांधने वाली जो रस्सी थी उसको उन्होंने तोड़ा डाला और वो घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, मोटी रस्सी थी, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने दूनी शक्ति, इन दोनों में न जाने कहां से दूनी शक्ति आ गई और एक ही झटके में उन्होंने वो रस्सियां तोड़ दी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, चरनी मतलब जहां पर उनके चरने की जो जगह थी, जहां पर उनको बांधा जाता था, और वो उसी जगह पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा था, जो रस्सी उन्होंने तुड़ाई थी वो टूटी हुई रस्सी दोनों के गले में लटक रही थी गराम। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, झूरी के प्रति स्नेह झलक रहा था और विद्रोहमय विद्रोह जो वो करके आए थे किसके प्रति, गया के प्रति। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, स्नेह से गदगद हो जाना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना, दौड़ कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, जैसे ही सबको पता चला कि इस प्रकार से बैल वहां से भाग आए हैं और फिर से झूरी के पास चले आए हैं, तो आसपास घर गांव
के जो बच्चे थे वे सभी वहां जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर सभी उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी, अभूतपूर्व मतलब जैसा पहले कभी ना हुआ हो, लेकिन ये कोई अभूतपूर्व घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा मतलब जो भी बच्चों का समूह था उन सब ने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, मतलब उनका स्वागत करना चाहिए, उनका पुरस्कार तो बनता ही है, उन्होंने इतना बड़ा काम जो किया है। तो कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तीसरा जो बच्चा था उसने क्या कहा, ये साधारण बैल नहीं है, लगता है ये तो कोई पूर्व जन्म के आदमी हैं जिन्होंने इस जन्म में बैल के रूप में जन्म लिया है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जो उस तीसरे बच्चे ने बोला, किसी ने भी उस बात का विरोध नहीं किया। इसका अर्थ क्या है कि सभी बच्चे उसकी बात से सहमत थे। झूरे की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, जलनी ही थी। उसके भाई के यहाँ पर बैल भेजे गए थे और वहां से वो वापस लौट आए। ये देख करके झूरी की स्त्री को बहुत क्रोध आया। चारा दाना न दिया होगा तो बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप मतलब आरोप। तो झूरी को अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी ने उन बैलों के बारे में इस प्रकार से बात की। और क्या कहा उसने, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोग के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। उसको बहुत क्रोध आ रहा था और इसलिए उसने उससे ऐसा कहा। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो भागते क्यों। झूरी ने कहा, तुम्हारे भाई ने ठीक से इनको चारा पानी नहीं दिया होगा और शायद इसीलिए ये यहाँ पर भाग कर चले आए। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे काम छोड़ भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मर जाएं। अब उसने क्या कहा कि ये बैल जो है तुम्हारी तरह कोई नहीं रखता है, जरूर यदि इनको खिलाया पिलाया जाता है तो इनसे पूरा काम भी लिया जाता है। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाक में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। अब पत्नी की आज्ञा हो गई और सेवकों को वही करना पड़ा जो पत्नी ने कहा। और उन्होंने क्या किया, ना तो उनको चारा डाला ना उनको पानी पिलाया, सूखा जो भी था वो चारा उनके सामने डाल दिया। बैलों ने नाक में मुंह डाला, सब कुछ फीका, ना चिकनाहट ना रस, अब वो क्या खाएं। और आशा भरी दृष्टि से वे द्वार की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा अभी झूरी आएगा और आकर उन्हें फिर से सहलाएगा, चारा खिलाएगा। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली डाल क्यों नहीं देते, मार के मुझे मार ही डालेगी। कौन बोला, सेवक बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मार के मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाला। जब झूरी ने ऐसा कहा तो उसने क्या जवाब दिया, ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे कि अभी तो तुम हमसे ऐसा कह रहे हो लेकिन उनके सामने आने पर तुम भी उन्हीं का साथ दोगे, इसलिए हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो बच्चों आज इसका एक भाग खत्म होता है यहीं पर, और आपको इसका कवि परिचय और ये सारी कृतियाँ अपने पाठ्यपुस्तक में अपने नोटबुक में नोट करनी है, और यही आपका आज का गृह कार्य है। और गृह कार्य को जिस दिन आपको समझाया जाता है आप उसी दिन पूरा कर लें। तो गृह कार्य में आपको कवि परिचय के साथ साथ कवि की कृतियाँ भी लिखनी है और इसके साथ साथ आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ भी करने हैं। धन्यवाद।